हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम वी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम बात करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट IRCC की तरफ से आई है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कैनेडा इन इंडिया पे ट्वीट कर इस चीज का कंफर्मेशन दिया है कि जो बच्चे अपना पासपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं वीजा स्टैंपिंग के लिए, वो बच्चे अपना पासपोर्ट होल्ड कर ले, क्योंकि सिचुएशन COVID-19 के दौरान एक बार दोबारा से इंडिया में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। काफ़ी सिटीज़ में दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया है। इसको देखते हुए काफ़ी BFS सेंटर्स भी बंद करने पड़ेंगे। अगर आपने अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए सबमिट करवा दिया तो अगर BFS सेंटर बंद हो गए तो हम आपका जो पासपोर्ट है रिलीज नहीं कर पाएंगे। तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक जो वीज़ा ऑफिस है वो दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन में नहीं काम करना शुरू करते, तो आपका जो पासपोर्ट है वो स्टक हो जाएगा। अगर आपने अपनी कोरियर फीस पे कर दी है, आपका पेमेंट लिंक आपको आ चुका है, तो भी आप अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए सबमिट ना करवाएं, आपको प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि पहले की अगर हम बात करें, जब पहले लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे थे जिनका पासपोर्ट BFS सेंटर्स में ही रहा, वो रिलीज नहीं हो पाया। अगर उन्होंने किसी अदर कंट्री में विजिट करना था तो उनको प्रॉब्लम आई, तो इसके लिए उन्होंने पहले से ही आपके लिए एक एडवाइस जारी की है कि आप अपना पासपोर्ट अगर सबमिट करवाना चाहते हो आने वाले दिनों में तो उसको होल्ड कर लीजिए। जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती तब तक आप होल्ड रखिए, दोबारा से आपका जो पासपोर्ट सबमिशन का जो प्रोसेस है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रोसेसिंग टाइम का अपडेशन आया है। अगर हम इस वीक की बात करें, 12 वीक जो पहले स्टडी परमिट के लिए था वो सेम रहा, मगर COVID-19 की जो सिचुएशन इंडिया में चल रही है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि BFS सेंटर्स दोबारा से बंद हो जाएंगे, प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। जैसे पहले लॉकडाउन में हमने देखा था कि प्रोसेसिंग बिल्कुल बंद हो चुकी थी, 6 महीने तक कोई भी फाइल प्रोसेस नहीं हो पाई थी, तो उस कंडीशन में क्या था कि प्रोसेसिंग टाइम 36 वीक तक चला गया था। वही कंडीशन हमें दोबारा देखने को मिल रही है। आने वाले समय में COVID-19 की सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग टाइम भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।